हेलो गाइस, दिस इज़ कॉइन इन्फो। आज हम लोग एक नई सीरीज़ लॉन्च करने वाले हैं दैनिक न्यूज़ नाम से। इसके अंदर तीन तीन दिन के इंटरवल पे दो न्यूज़ आया करेंगी जो कि पूरे क्रिप्टो मार्केट को अपने अंदर समेटी रहेंगी। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, हमारे पास इस वक्त दो न्यूज़ हैं, एक अच्छी एक बुरी। चलिए पहले बुरी वाली से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए आप कभी खाना खा रहे हैं और आपके पास दो आइटम हो और दो नहीं खाने हो, तो आप बुरा वाला पहले खाते हैं और अच्छा वाला बाद में। इसीलिए चलिए शुरू करते हैं गाइज। अगर इस वक्त आप सोशल मीडिया पे एक्टिव होंगे तो अभी कुछ दिनों के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा एक न्यूज़ वायरल हो रही थी कि अमेज़ॉन अब से बिटकॉइन एक्सेप्ट करना चालू कर देगा। तो हम लोग ने इस पर वीडियो इसीलिए नहीं बनाई क्योंकि कोई जेन्युइन न्यूज़ नहीं थी, अमेज़ॉन की तरफ से कोई न्यूज़ नहीं आई थी, लेकिन अब आ चुकी है। अमेज़ॉन ने डिनाई कर दिया, ऐसा कोई प्लान नहीं है। लेकिन एक बात उन्होंने अपनी ट्वीट में और बोली है कि 2022 तक वो लोग सोच सकते हैं करना। मान लीजिए अगर वो लोग ऐसा बोल रहे हैं ना, तो इसकी वैल्यू अभी बढ़ने वाली है, क्योंकि अमेज़ॉन चौथे नंबर की कंपनी है जो सबसे ज़्यादा बड़ी है। अगर वो एक्सेप्ट करना चालू कर देती है तो भाई साहब BTC की वैल्यू स्टेक हाई जाएगी, हद से ज़्यादा हाई चली जाएगी, और जो भी क्रिप्टो मार्केट है वो इतनी तेज़ी से बूम होगा आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। और जो ओल्ड कॉइन्स हैं तो उनमें तो 100% तक की ग्रोथ देखने को आपको मिल सकती है। तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े रहें और जो जो हम लोग कॉइन्स बता रहे हैं उनको होल्ड पर लगा के रखें। गाइज, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो मैंने एक्सेस इन्फिनिटी पे बनाई थी, जो कि एक NFT है। तो माइक नोवोग्राड से एक बहुत तगड़े बंदे हैं जिनका एक ट्वीट पूरी मार्केट को हिला सकता है। तो उन्होंने NFTs के बारे में एक चीज़ बोली, जैसे कि आप देख सकते हैं, माई प्रिडिक्शन NFTs आर द वे ऑफ फ्यूचर। एवरी इंडस्ट्री विल बी यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी टू बिल्ड कम्युनिटी, टू ग्रो कम्युनिटी एंड टू प्रॉफिट। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। अगर ये इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं ना, तो NFTs के अंदर एक बहुत बड़ा जल्दी ही बूम देखने को आपको मिलेगा। वैसे भी आपको दिख रहा होगा एक्सेस इन्फिनिटी में, मैंने यही आपको दिखा दिया कि BTC के नीचे जाते हुए भी एक्सेस इन्फिनिटी को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो ऊपर की तरफ जा रहा था। लेकिन अभी थोड़ी बहुत सेलिंग हुई है तो वैल्यू थोड़ी डाउन हुई है, लेकिन वहीं BTC की वैल्यू भी डाउन हुई है। मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा आखिरी में, लेकिन एक मैं अभी वीडियो बनाने वाला हूं जिसके अंदर हम लोग कुछ NFT टोकन्स कवर करने वाले हैं जो कि आपको 500 गुना तक का प्रॉफिट दे सकते हैं जल्दी ही। गाइज, एक और अच्छी न्यूज़, इथेरियम 2.0 ने 200,000 वैलिडेटर्स अपने सरपास कर लिए हैं। ये 7 महीने के अंदर ही हुआ है, ये दिसंबर 2020 में लॉन्च हुआ था। ये प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम करता है। 64 लाख इथेरियम इसके अंदर पहले से स्टेक होने के लिए लगा दिए गए हैं 13.5 बिलियन वैल्यू के। बहुत बड़ा नंबर, बहुत बड़ा नंबर। इससे हमें ये पता चलता है कि लोगों का अभी भरोसा इथेरियम से डगमगाया नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म में कोई अच्छा रिटर्न पाना चाहते हैं तो आपको भी इथेरियम में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये 6.1% का ये लोग एनुअल ग्रोथ रेट दिखाएंगे, यानी स्टेक से जो भी पैसा वापस आता है, रेवेन्यू मिलता है, वो 6.1% का आपको मिलेगा। एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ और देखने को मिल रही है, ओवर 60% ऑफ US इन्वेस्टर स्टार्टेड बाइंग क्रिप्टो इन पास्ट 6 मंथ्स। ये देखिए, हमारे लिए इस तरीके से अच्छी है कि लोग वहाँ के जागरूक हो रहे हैं और इंडिया के अभी नहीं हुए हैं। अगर आप अभी क्रिप्टो में घुसते हैं तो मान के चलिए हमारे सिर्फ 15 मिलियन लोग ही इस क्रिप्टो के अंदर आए हैं, ठीक। अगर कुछ और लोग आते हैं, हमारी कंट्री बहुत ज़्यादा बड़ी है, अगर उसकी आधी पॉपुलेशन आ जाए ना, तो बिटकॉइन का अभी भी प्राइस डबल हो सकता है। इसलिए अगर आप जितनी जल्दी घुस जाए ना, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा। एक और अच्छी न्यूज़ जो हमें दिखा रही है कि एक बुलिश मार्केट सेटअप हो रहा है, जैसे कि लाइटकॉइन व्हेल्स हैव इंक्रीज देयर होल्डिंग बाय 270K LTC इन जुलाई। देखिए, LTC जो कॉइन है वो काफ़ी ज़्यादा लो हो गया था अभी जब बिटकॉइन नीचे गिरा था। सोचिए, एक बहुत बड़ी कंपनी एक डूबे हुए कॉइन में क्यों पैसा लगाएगी। मान लीजिए, आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कॉइन उठ रहा है और एक डूबा हुआ है, एक नॉर्मल सा बंदा आता है, वो कहेगा ये जो उठ रहा है कॉइन इसके अंदर पैसे लगाते हैं कि हमारा भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट दे कि हम लोग निकल जाएंगे। अब डूबे हुए कॉइन पे क्या भरोसा। लेकिन अगर इतनी बड़ी कंपनी लगा रही है ना, तो कुछ ना कुछ मतलब होगा, और ये बुलिश क्या कहते हैं इन्वायरमेंट को हमें साफ साफ दिखा रही है। सॉरी, इस वीडियो की हैप्पी एंडिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि टेस्ला की अभी अभी न्यूज़ आई है कि 1 बिलियन की इनकम का उन्होंने बिटकॉइन अपने पास रखा हुआ था, लेकिन उसके अंदर इनको 23 मिलियन का लॉस हुआ है। ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि इसकी वजह से ही इस वक्त हमारी वैल्यू डाउन हो रही है बिटकॉइन की। वहीं उसके अलावा अमेज़ॉन ने भी अपनी कहानी रख दी कि हम अभी नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से और ज़्यादा डाउन हो चुकी है। 3K तक का इसमें लॉस देखने को मिला है अभी सुबह से।